celebrate the big national event, the Independence Day of India. This day is indeed the most auspicious day in the history of our nation, as it was won back its freedom after many years of relentless struggle put in by the freedom fighters. Therefore, 15th of August 1947 was a golden moment in the Indian history. The great Indian fighters who sacrificed their lives for the independence struggle are remembered with lots of reverence. We must always remember that this freedom is won after the sacrifice of many people and several decades of struggle. It is not possible to brush aside the sacrifices made by Gandhiji, Subhash Chandra Bose, Mangal Pandey, Chandrasekhar Azad and many more, who died at an early age to free the nation from the chains of slavery. Now that we live and breathe in an independent India, we should not forget the freedom that and take the freedom for granted. Instead, we should think of what we can do to strengthen the nation from within through our good deeds and social acts. We should not only live for ourselves but for others as well. Only then will it be a peaceful coexistence. We must sincerely shoulder the responsibilities of our country and be ready to handle any kind of national emergency or any other issues. Thank you. प्रभात। सभी उपस्थित अतिथि और शिक्षक गण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा भारत महान। हमारे वीर योद्धाओं ने कई लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद जाके 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर साल लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। आज से 74 वर्ष पूर्व हम पर अंग्रेजों का शासन था। वे व्यापार के बहाने भारत आए और धीरे धीरे सब कुछ अपने अपने अधीन कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर कई आंदोलन और लड़ाई लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के वीर योद्धाओं की वजह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए इस दिन को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। चलिए आए देखते हैं एडवोकेट बापू साहेब भोंडे हाई स्कूल लोनावला के प्राथमिक कक्षा के छात्र आपके सामने कुछ वीर योद्धाओं का चरित्र वर्णन और उनके बलिदानों की छवि प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मैदानी जंग में मरना है, फिरंगों से नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई यह वादा पूरा करना है। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज तो वे नारद। लाला लजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लजपत राय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक चमकते सितारे थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक ब्रिटिश के
वही हुआ। लालाजी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया और उन्हीं चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। लालाजी ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिस दौरान हुई लाठी चार्ज में वो बुरी तरह से घायल हो गए। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी और निडर क्रांतिकारी थे। काकोरी ट्रेन डकैती, विधानसभा में बम की घटना और लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेने के लिए एसपी सैंडर्स की हत्या जैसे घटनाओं में शामिल वह क्रांतिकारी भारत का चेहरा थे। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जब पहली बार अंग्रेजों की कैद में आए तो उन्होंने 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। दुश्मनों की गोली का हम सामना करेंगे, आजादी रहे और आजादी ही रहेंगे। भगत सिंह। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वे कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह, कोर्ट ने तुम और तुम्हारे ससुर को फांसी की सजा सुनाई हुई है। सावित्रीबाई फुले। श्रीमती सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका व समाज सुधारिका थी। उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकार तथा कन्या शिशु हत्याओं को रोकने का कठिन अभियान चलाया। उन्होंने समाज की नवजात कन्या शिशुओं के लिए आश्रम तक खोले थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की समाज की कुरीतियों को भी हराया। भारत की महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने हेतु उन्होंने महिला विद्यालय खोले। सावित्री जी स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के लिए समाज के विरुद्ध अपने संघर्ष में लगी रही और सफलता को हासिल किया। द्या शिक्षणानागती वा फुले सावित्री। स्वामी विवेकानंद। श्री नरेंद्रनाथ दत्ता आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। वे जन्म से ही जिज्ञासु थे। उनका बाल अवस्था से ही अध्यात्म की ओर आकर्षण था। उन्होंने संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का प्रसार व प्रचार किया। उन्होंने हिंदू धर्म की नीतियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए विश्व का भ्रमण किया। स्वामी जी द्वारा बताए गए मार्ग और कार्य आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणार्थक है। स्वामी जी का जन्म दिवस हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में
मनाया जाता है। तो रहो और तब तक मंत्र को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि इन महान क्रांतिवीरों ने हमारे देश को आजादी दिलवाने में कई बलिदान दिए हैं और यह सब जनता के सहयोग के बिना नामुमकिन था। वैसे ही हम सब कोरोना से लड़ेंगे और इन सब क्रांतिवीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें अपने देश को कोरोना से बचाने के लिए केवल कुछ नियमों का पालन करना है। चलिए आए देखते हैं हमें किन नियमों का पालन करना होगा। हाथ धोइए क्योंकि इसी से होगा बचाव। आए देखे हाथ साफ धोने का तरीका। कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को साबुन और पानी से धोना है। आंख, नाक और मुंह में हाथ लगाने से बचे। छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को ढके। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बीमार लोगों से दूर रहे। ऐसी मुसीबत आई, कोरोना की बीमारी ने हाहाकार मचाई। दुनिया पर देखो ऐसी कैसी मुसीबत आई, कोरोना की बीमारी ने हाहाकार मचाई। कदम कदम पर आप रखोगे सावधानी, कदम कदम पर आप रखोगे सावधानी, अचानक भी ये बीमारी आपको नहीं कर पाएगी हानि। बनो समझदार ना करो काम बचकाना, बनो समझदार ना करो काम बचकाना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो घर से कहाँ जाना। हम कहते हैं आप भी सुनो, जितना है कोरोना से तो इतना घर में ही सुरक्षित रहो। डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, लड़ेगा इंडिया तो पड़ेगा इंडिया। जय हिंद। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद। हमने कहा है जो